करते हैं। जय भीम, जय संत गाड़गे बाबा, जय धोबी समाज। क्या मैं सिक्योरिटी वालों से कहूंगा, जरा उनको मंच पर आने दीजिए कृपया। इसकी फाइल 2 महीने पहले तैयार हो गई थी और 2 महीने पहले हमने कैबिनेट का नोट तैयार कर लिया था। इसमें कैबिनेट में पास होएगा, सारे मंत्री बैठ के इस पे निर्णय करेंगे। तो 2 महीने पहले फाइल तैयार हो गई थी और 2 महीने से ये फाइल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है। अब इनको अफसरों को कुछ कह दो तो इनको बुरा लगता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अंदर बैठ के मैं आपके लिए रोज लड़ता हूं, कभी अफसरों से लड़ता हूं, कभी बीजेपी वालों से लड़ता हूं, कभी कांग्रेस वालों से लड़ता हूं, कभी केंद्र सरकार से लड़ता हूं, कभी एलजी साहब से लड़ता हूं। ये कभी तो आपकी अस्पताल की फाइल रोक देते हैं, कभी आपकी थड़ों की फाइल रोक देते हैं, कभी आपकी बिजली सस्ती करने की फाइल रोक देते हैं, कभी बीजेपी वाले रोक देते हैं, कभी कांग्रेस वाले, कभी एलजी साहब, कभी अफसर। लड़ता बहुत हूं मैं। जो इन्होंने झूठा आरोप लगाया, मैं तो कह रहा हूं ऐसे अधिकारियों को मारना चाहिए, भोगना चाहिए। सही है कि नहीं? अगर तो आम आदमी की आंख की किसी फाइल को रोक के बैठा है, आम आदमी के काम को रोक के बैठा है, ऐसे अधिकारियों को यही आना, यही शुरू होना चाहिए। जन्मदिन का कार्यक्रम था, दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो इनकी मांग की आप उनको कंसीडर करेंगे, ये आश्वासन दिया है। यहाँ पे मंदिर का भी उद्घाटन किया गया? मंदिर का उद्घाटन नहीं है, तो संत गाड़गे जी का था, अपना जन्मदिन का कार्यक्रम था। आपने भाषण में जोश में ये भी कह दिया कि जो सरकारी अधिकारी उनकी पिटाई भी होनी चाहिए। जोश में नहीं कहा, मैंने नहीं कहा पिटाई होनी चाहिए, मैंने कहा जो अधिकारी अगर पब्लिक के कामों में इस तरीके की रोक अड़चने किसी प्रेशर में कर रहे हैं, तो वो अब तैयार रहे कि दिल्ली की जनता अब बहुत 3 साल हो गए देखते देखते इन लोगों को। सीएम साहब को यहाँ आने से पहले उनके जो स्थान है, घर है, वहाँ पर पुलिस फोर्स भी गई थी पूछताछ के लिए मामले में। देखिए, मैंने तो आज तक 60-70 साल के आसपास देश को आज़ाद हुए, मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी सिटिंग सीएम के घर सीबीआई की रेड हो, किसी सिटिंग सीएम के घर पुलिस रेड करती है। क्या इंक्वायरी? एक बात बताइए, चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि भाई मेरे साथ मार पिटाई हुई है तो FIR दर्ज होगी, FIR दर्ज होगी तो विधायकों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। अब सीएम के घर क्या करने गई है पुलिस? इसमें कहीं ना कहीं मानते कि बीजेपी पूरी तरह राजनीति, बिल्कुल बीजेपी और एलजी की तरफ से पूरा प्रेशर है। हकीकत